पुरानी ब्रांच में मैच्योरिटी है, पत्ता डार्क ग्रीन है और फ्लावरिंग कुछ भी नहीं है। वहीं पे ये नई शाखाएं जो आई है ना, ये कटिंग के बाद आई है। तो भाई साहब कटिंग के बाद आई है तो ये हो गया फ्रूटिंग सेटिंग। नई नई शाखाओं पे, नई नई ब्रांचेस पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे फ्रूटिंग सेटिंग हो रहा है। पहले इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमारा प्रॉफिट का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें तीन बार चांसेस होते हैं, ब्रुक बहार, आंबे बहार और हस्त बहार। साल में तीन बार से कभी भी एक बार आप इसमें फ्रूटिंग ले सकते हो। अभी देखिए ये फ्रूटिंग का सेटिंग, बहुत ही यूनिक नज़ारा आप देख पा रहे हो। जय श्री कृष्णा, जय माता जी। किसान मित्रों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये है मौसमी को लेके, या फिर आप किसी भी बगीचे में जो कटिंग प्रूनिंग का जो सिस्टम आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, लेकिन अभी हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है अल्ट्रा हाई डेंसिटी, एक एकड़ के अंदर हम तकरीबन 906 या फिर 1000 के लगभग पेड़ हम प्लांटेशन कर रहे हैं इस वक्त। इसमें भी प्रैक्टिकली मैं आपको रिजल्ट बताना चाहूँगा, कटिंग का जो बेनिफिट मिलता है अपने हमारे मैंगो ऑर्चर्ड के अंदर आपने देखा ही है। बट मैं आपको यहाँ पे तीन चीज़ें साझा करूँगा। पहला, कटिंग के बाद का बेनिफिट क्या होता है। सेकंड, अगर नॉर्मल डेंसिटी से अल्ट्रा हाई डेंसिटी में गए तो क्या प्रॉफिट है। और सबसे मेन तीसरा प्रॉफिट कि नंबरिंग ऑफ ईल्ड हमें कितना एक प्लांट देगा और हमें एक एकड़ में कितना अर्निंग लेना चाहिए। सो गाइस, पहला टॉपिक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी में क्यों जाएँ। अभी कुल 7 साल का बगीचा है और सबसे मेन चीज़, 7 साल का बगीचा होने के बावजूद अभी यहाँ पे जो कटिंग किया है, कटिंग का प्रैक्टिकली नज़ारा देख पा रहे हो। अभी देखिए ये कितना मोटा डाली है, इसको काट दिया है तो इसमें मेनी मोर शूट निकल के आए हैं। तो इतना शूट निकलने के बावजूद एक एकड़ में यहाँ पे 14x14 अराउंड 180-180 के लगभग पेड़ लगाए गए हैं। और 180 पेड़ के अंदर अगर कैलकुलेशन करें इसका फ्रूटिंग स्टेज, एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेड़ 50-70 किलो का प्रोडक्शन जनरेट करेगा, तो मोर देन अगर सारी चीज़ें, सारी प्रैक्टिसेस अगर आपकी सही रही, सही दिशा से गए, 100% टाइम खेती के अंदर दिया, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, 15-16 टन का प्रोडक्शन अपने एवरेज देने वाला है। तो इसमें क्या है कि इसी को अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी में अगर जाते हैं, जैसे 4 फीट बाय 12 फीट, 5 फीट बाय 12 फीट, इस कंसेप्ट को अगर आप अपनाते हो और इस कंसेप्ट से अगर आप जाते हो, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाहूँगा, एक पेड़ अगर नंबरिंग ऑफ फ्रूट 30 kg देता है, 30 किलो, और एक एकड़ में हम लगभग 800-900 से 1000 पेड़ लगा सकते हैं। आपने हमारे चैनल पे 2-2 साल पुराने बगीचे ऑलरेडी देखे भी है, तो 30 किलो अगर एक पेड़ भी देता है तो लगभग इससे दुगना प्रोडक्शन हमको मिलने वाला है। और सबसे मेन टॉपिक, इसको लगाने के बाद 5वें साल में जो रिटर्न मिलना चाहिए ये अपना 3रे साल से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी इसमें ऑन एन एवरेज 10 टन का अगर प्रोडक्शन आप कैलकुलेशन करते हो स्टार्टिंग में, मतलब 6ठे या 7वें साल से, तो हमारा ऑर्चर्ड लगाने के बाद 3रे साल में अगर एक पेड़ पे आप कम से कम 10 किलो प्रोडक्शन कैलकुलेशन करते हो, एक एकड़ में 1000 पेड़, 800 पेड़ करते हो तो 8 टन, और 1000 पेड़ करते हो तो 10 टन का प्रोडक्शन हमको प्राप्त हो सकता है। और सब में मेन पॉइंट, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, कम इन्वेस्टमेंट और कम लागत में, कम खर्चे में हम ज़्यादा अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, पहले मुद्दे को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, कटिंग के बाद का बेनिफिट। अभी ये जो बेनिफिट है ये प्रैक्टिकली आप हर फसल में आप कर सकते हो हॉर्टिकल्चर के अंदर। अभी देखिए ये सारी जो ब्रांचेस हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं, इनको प्रून कर दिया गया। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे प्रून करने के बाद का बेनिफिट ये है कि भाई हर सिंगल प्लांट्स के अंदर बंचेस में फ्रूटिंग सेट हो रहा है। आप देख सकते हो ये न्यूशलार ब्रीड है और ये फ्रूटिंग आप देख सकते हो। प्रैक्टिकली कोई भी ब्रांच को आप हाथ में ले लीजिए। और सबसे मेन चीज़, लास्ट टाइम का जो फ्रूटिंग का सेटिंग हुआ था ना, उसमें कुछ फल बच चुके हैं, आप देख रहे हो बंचेस में हो रहा है। एक एग्जांपल है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमारा प्रॉफिट का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें तीन बार चांसेस होते हैं, ब्रुक बहार, आंबे बहार और हस्त बहार। साल में तीन बार से कभी भी एक बार आप इसमें फ्रूटिंग ले सकते हो। अभी देखिए ये फ्रूटिंग का सेटिंग, बहुत ही यूनिक नज़ारा आप देख पा रहे हो। हर सिंगल प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग का फ्रूटिंग के अंदर सेटिंग होना था हो चुका है। अभी इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा और कोई भी फल ऐसा डैमेज नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा। आइए इधर एक बताइए, ये देखिए, ये देख रहे हो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, बराबर। मतलब कि ये बल्क में और क्वांटिटी में, बंचेस में ये फ्रूटिंग पूरा होने वाला है। तो इसका कहने का मीनिंग ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, नीचे की सतह में आप ये अगर पत्ते देखो, ये डार्क है बिल्कुल। जैसे मैं आपको अभी देखिए, ये पुरानी ब्रांच है, पुराने ब्रांच में मैच्योरिटी है, पत्ता डार्क ग्रीन है और फ्लावरिंग कुछ भी नहीं है। वहीं पे ये नई शाखाएं जो आई है ना, ये कटिंग के बाद आई है।
तो भाई साहब कटिंग के बाद आइए, तो ये हो गया फ्रूटिंग सेटिंग, नई नई शाखाओं पे, नई नई ब्रांचेस पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे फ्रूटिंग सेटिंग हो रहा है। अभी ये अगर नॉर्मल डेंसिटी पे है, इसमें अगर इतना प्रॉफिट है, तो इसको अगर हम हमारे टेक्निक से, इसराइल टेक्निक से अगर हम इसमें जाते हैं, तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट हमारे किसानों को मिलने वाला है। देखिए फ्लावरिंग, ये सारी नई ब्रांचेस हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा, दूसरा टॉपिक कि कटिंग के बाद का प्रॉफिट ये होता है, अगर पुरानी शाखाएं रही तो फ्लावरिंग कम, फ्रूटिंग कम, और कुछ भी ऑन एन एवरेज फ्रूटिंग आपको मिलने वाला है, लेकिन उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आप कटिंग के बाद इसमें अच्छा नज़ारा, अच्छा फ्लावरिंग, अच्छा फ्रूटिंग और अच्छा अर्निंग आप कर सकते हो। ये पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे क्यों जाएं? 7 साल के बाद ये नज़ारा है, ये नज़ारा 3रे साल में अगर चाहिए तो आपको अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाना ही पड़ेगा। बिकॉज एक पेड़ का अगर हम यहाँ पे जर्नी ऐसा पकड़ते हैं कि एनुअली 70 किलो प्रोडक्शन दे रहा है, 14 फीट बाय 14 फीट, एक एकड़ में 180 के लगभग पेड़ लगे हुए हैं, और 70 किलो का ये सबसे अगर कैलकुलेशन करें तो मोर देन 12 से 14 मेट्रिक टन का ये प्रोडक्शन हमको सालाना मिलने वाला है। सो इसको हम अगर अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे कन्वर्ट करें, आइए मेरे पीछे, अभी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे अगर हम इसको डालते हैं, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मेन बेनिफिट क्या है? सबसे मेन चीज, नंबरिंग ऑफ प्लांट ज़्यादा हो गया, नंबरिंग ऑफ कम एरिया में, कम खेत में ज़्यादा प्लांट लग गए। अभी बात करते हैं यील्ड की, तो 3रे साल में अगर गिरे से गिरा एक पेड़ 10 किलो का अगर प्रोडक्शन देता है, तो भाई साहब एक एकड़ में 4 फीट बाय 12 फीट 906 पेड़ लगते हैं, लगभग 1000 के लगभग पेड़ लग जाते हैं, कई बार छोटा बड़ा खेत होता है तो 1000 पेड़ लग जाते हैं। एक पेड़ अगर 10 किलो देगा तो 10 टन का प्रोडक्शन हमें पहले ही हार्वेस्टिंग में मिलने वाला है। मैं नेगेटिव कैलकुलेशन बताऊंगा, पहले हार्वेस्टिंग में 5 टन कैलकुलेट करिए, उसके बाद जैसे ही हम सेकंड या थर्ड हार्वेस्टिंग में अगर जाएंगे, तो सेकंड और थर्ड हार्वेस्टिंग के अंदर नंबरिंग ऑफ 20 किलो प्लस अपना फ्रूटिंग होने वाला है। बिकॉज इसके अंदर बंचेस में फ्रूट लगता है, कोई भी पेड़ आप देख लीजिए। अभी इसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन किया, इसका मतलब कटिंग अनिवार्य है, कटिंग किया, फर्टिगेशन प्रॉपर होगा, कम फर्टिलाइजर, कम पानी, सारा कम रिक्वायरमेंट में सारा कुछ चीज़ हम फिलअप करने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज मैच्योरिटी के बाद एक पेड़ 30 किलो का भी अगर प्रोडक्शन देता है, तो भाई साहब 20-25 टन के भी प्लस एक एकड़ में हम पैदावार ले सकते हैं। और आज का वेदर ऐसा रहा नहीं है कि आप नॉर्मल डिस्टेंस पे बगीचे लगाओ और उसको फिर लंबे समय तक आप संभालो और हाथ में कुछ भी ना मिले, इससे तो अच्छा है कि हम इसी को लगा के इसी सिस्टम में हम आके कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले लें। और कभी भी मार्केट का जो कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए बंचेस में फ्रूटिंग हो रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग, मार्केट का कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली हमने लास्ट 2 महीना पहले 35 रुपये किलो से माल दिया है, 35 रुपीज़ पर केजी, तो कई बार ऐसा अनबन हो जाता है 50 रुपये का भी दाम मिलता है, 70-80-90 का भी दाम मिलता है, और भाई साहब कभी कभी 20 रुपये किलो का भी दाम मिलता है। तो मैं 20 रुपये किलो के साथ जाना चाहूँगा, 20 रुपीज़ पर केजी, नेगेटिव में नेगेटिव कैलकुलेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए इसमें अगर 20 टन का अगर कैलकुलेशन हुआ, तो भाई साहब 4 लाख रुपये का अर्निंग हम कर सकते हैं। मतलब कि एक पेड़ अगर 30 किलो जनरेट कर रहा है, तो 30 टन होना चाहिए 1000 पेड़ों में, फिर भी मैं उसको 10 टन रिड्यूस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, और आपको मैं 20 टन का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मैच्योरिटी के बाद अगर बगीचा में एक एकड़ में 20 टन अगर दे रहा है ना, और 20 रुपये किलो भी अगर बिक रहा है, तो 4 लाख रुपया मोटा मोटा हमको मिलने वाला है। और इसमें एक्सपेंसेस मोर देन 30-40 थाउजेंड का आपको एक्सपेंसेस लगेगा, लेकिन मैं इसमें नेगेटिव कैलकुलेशन करता हूँ। नेगेटिव का मतलब एक्सपेंसेस प्लस पकड़ते हैं हम, 80,000 से लाख रुपया अगर माइनस किया तो भी एकड़ में 3 लाख रुपया बड़े आसानी से मिलता है। बट ये मैं 20 रुपये किलो की हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी हमने 35 रुपये किलो से दिया है, 50 रुपये से भी दिया है, और आप गूगल करिए न्यूस्टेलर ब्रीड का जो रेट होता है, मार्केट पोटेंशियल इसका कितना है, इसका डिमांड कितना है। आजादपुर मंडी में तो तादाद लगी होती है इसके व्यापारियों की, अगर जितना प्रोडक्शन है उतना कम पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ मौसमी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ को देखते हो वो मौसमी है, एक्चुअली इसमें वैरायटी मैटर करती है। जैसे आम के अंदर हमारा भी केसर मैंगो के अंदर काम है, जैसे आप देख रहे हो कि मैंगो के अंदर, मैंगो का फलों का राजा अगर आम है, तो आम का राजा केसर को माना जाता है। एज अ पेपर वर्क अल्फांसो, मैं मेरे मैक्सिमस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, बट ऑडियंस पोल के साथ जाओगे, पब्लिक जो है ना, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा प्यार करती है केसर मैंगो से। तो उसी तरह मौसमी के अंदर ये ब्रीड है, ऐसे नहीं कि आपने माल्टा लगा दिया, कोई भी चवंडी छाप ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी वैरायटियाँ है ही नहीं, ये तो एक माउथ पब्लिसिटी से वायरल हो गई बातें हैं। तो इसमें क्या है कि न्यूशिलार और काटल गोल्ड, ये दो ब्रीड बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बेटर जो वैरायटी होती है इसे न्यूशिलार कहा जाता है। इसमें 3 टाइप्स के रूट स्टॉक होते हैं, एक तो जंबेरी होता है,
दूसरा रंगपुर लाइम होता है और तीसरा एलिमो होता है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड रूट स्टॉक है। आप गूगल करिए एलिमो रूट स्टॉक, जैसे सर्च मारोगे तो ये मदर जो है ये कहाँ का है, ये कैलिफोर्निया का है, मतलब इंडिया के बाहर का है। अभी इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें फ्रूटिंग का जब सेटिंग होगा तब मैं आपको रूट स्टॉक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आइए मैं अभी आपको बताता हूँ। हर ब्रांच में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का नजर आप देख पा रहे हो। इस साइड में देखिए, सो गाइस अभी मैं आपको तीसरा टॉपिक भी लगभग पूरा बता चुका हूं, फिर एक छोटा सा मोरल ऑफ स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दादाजी है जिनके दो बेटे हैं, एक तो डॉक्टर है और एक तो इंजीनियर है। ये हाल ही में एक वाकया मेरे साथ हुआ है, उन्होंने मेरे को जब साझा किया तो मैं ये चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली उनके दो लड़के होने के बाद, वेल सेट होने के बाद, उनके पास 5 एकड़ का समथिंग बगीचा है जो कि नींबू का है। अभी सिचुएशन ये रही कि उन्होंने खुद ने मेरे को बोला कि मेरे को दो नहीं मेरे को एक ही लड़का है और वो है मेरी ज़मीन, क्योंकि लड़कों को मैंने पढ़ा के तो भेज दिया, वो वेल सेट हो गए। अभी कोई भी लड़का मेरी और मतलब पूछता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, आपको अस्पताल का खर्चा वगैरह, परिवार में क्या है क्या नहीं है। ओके, अभी वो तो सिटी में जाके वेल सेट हो गए। अभी गांव के अंदर जिस बंदे ने छोटे से बड़ा किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जॉब पे लगाया, बट अभी हाल फिलहाल उन्होंने जब कहा तो सुन के मैं दंग रह गया। भाई साहब, उनका 5 एकड़ के अंदर नींबू का लगभग मोटा मोटा 12 से 15 लाख रुपया जनरेट होता है साल का। ओके, वो जो सिस्टम करते हैं उसको भी हम बाद में, मैं भी अगर वहाँ पे विजिट करूँगा तो एक बार आपके मैं उनसे रूबरू मुलाकात भी कराऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा कि मैं अगर 5 एकड़ के अंदर 12 से 15 लाख का मैं अगर अर्निंग कर पा रहा हूँ तो भाई साहब मेरे को आज लाइफ में जो खर्चे हो रहे हैं, मेरा अस्पताल का खर्चा है, परिवार को चलाने का खर्चा है, ये सारा जो खर्चा है ये मेरे बेटे कमा रहे हैं, लेकिन ये मुझे एक रुपया मतलब वास्ते मेरे को मिलता नहीं है। लेकिन ये जो खेती है ये मेरा एक बेटे से कम नहीं है, जो कि ये बगीचा हमने एक ऐसे ही लगा दिया था, और आज के डेट में जो बगीचा अर्निंग दे रहा है, नींबू का बगीचा जो उनको अर्निंग दे रहा है, कि वो खुद के बेटे से उसका कैलकुलेशन करते, कंपेरिजन करते कि इनसे अच्छा तो मेरा फार्मिंग है जो मेरे को डेली बेसिस अर्निंग दे रहा है, जो कि रिटायरमेंट का पैसा बोलते हैं ना, मतलब किसान को मिनिमम मतलब पैसिव इनकम जिसे कहा जाता है बुढ़ापे के अंदर सहारा है। तो भाई हॉर्टिकल्चर फसल ये ऐसी होती है जो बुढ़ापे के अंदर आपका सहारा बन सकती है। आप भी अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे मेन चीज, बहुत सारे फार्मर हमारे ऐसे हैं कि जो इंडिया के बाहर है, एनआरआई है, और उनकी एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है। आप भी अगर उन्हीं में से एक हो तो हम आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा काफ़ी सारे फार्मर्स हमारे इंडिया के बाहर है, कोई यूके में है, कोई अलग अलग कंट्रियों में है, तो उनके बगीचे हम इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। सो आपको अगर इस सब्जेक्ट में रुचि है तो आप हमसे एक बार चर्चा करिए, इस कंसेप्ट को समझिए, और अगर आपको रुचि होती है, इंटरेस्ट अगर है आपको, तो प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक एंड हार्वेस्टिंग से मार्केटिंग के अंदर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसमें आपको सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग ये अनिवार्य होता है, और इसी तरह के नॉलेज के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। और इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट करिए, मेल करिए, या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करिए।